वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ झींगे आलू फलियाँ, जिसके लिए मैंने बर्तन में तेल ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 1 स्लाइस अनियन डालूंगी, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इसमें मैं अब 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। जल्दी जल्दी चलाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन गया है। अब इसमें मैं 2 चॉप किए हुए टमाटर डाल दूंगी। वन टीस्पून हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मसाला भुन गया है। अब इसमें मैं ये 3 आलू लिए थे मैंने, इसको इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, वो इसमें डाल दूँगी। ये 5-6 ग्रीन चिली हैं, जिसे मैंने चॉप किया है, वो भी डाल दूँगी इसमें। ये 250 ग्राम सेम की फलियाँ हैं, वो भी इसमें डाल दूँगी। मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने आलू फलियों को मिक्स कर दिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी प्रॉन्स ले लिए, इसे मैं 1 टेबल स्पून तेल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए, इसे एकदम स्लो फ्लेम पर हल्की आंच पर बस ऐसे ही पकाएंगे जब तक आलू और फलियाँ गल नहीं जाते। इसे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल नहीं जाए, और आलू को चेक करेंगे अगर आलू गल गए होंगे। देखिए आलू गल गए। अब इसमें मैं प्रॉन्स डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। यहाँ पर झींगे आलू फलियों को मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।